हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू सी गॉड। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हमें भगवान नहीं दिखता, और नहीं दिखता इसका मतलब भगवान है ही नहीं। सबसे पहले हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। चार प्रकार के दोष हमारी इंद्रियों में पाए जाते हैं। ये गलतियाँ करती हैं, ये भ्रमित रहती हैं, ये अपूर्ण हैं और दूसरों को छलती हैं। ये चार दोष सभी में पाए जाते हैं। ऐसी दोष सहित इंद्रियों से हम प्रभु तो दूर की बात स्वयं को नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए आँखों को रोशनी की आवश्यकता है, इसके बिना यह कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे जो नेत्र हैं वो विजिबल रेंज जो है उसमें ही वर्क करते हैं, मतलब हम कोई भी वस्तु तभी देख पाएंगे जब इस विजिबल रेंज की वेवलेंथ उस वस्तु पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारी नेत्रों में जाए। इनविजिबिलिटी क्लॉक इसी तथ्य पर आधारित शोध है जो साइंटिस्ट कर रहे हैं। इनविजिबल रेज के अतिरिक्त बहुत बड़ा अंश रेज का है जो हमें नहीं दिखता। रेडियो वेव से लेकर गामा वेव्स तक, उसके आगे कॉस्मिक रेज भी हैं। ये तो वो रेंज है जो साइंटिस्टों ने खोज ली है। आगे और भी कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मिल सकती हैं। हम इनमें से किसी भी रेज को नहीं देख पाते, इसका मतलब यह नहीं कि ये रेज मौजूद नहीं। हाँ, हमारे नेत्रों में वो क्षमता नहीं कि हम उन्हें देख सकें। तो इनविजिबिलिटी इज़ अ साइंस। और आपको क्या लगता है, जिस परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, जिसके सूक्ष्म ज्ञान यानी साइंस को जानकर साइंटिस्ट भी चकित रहते हैं, वो इस साइंस को नहीं जानते होंगे? यहाँ मैं एक बात और बोलूँगा, साइंस ने सृष्टि में कुछ क्रिएट नहीं किया है, उन्होंने क्रिएट करी हुई चीज़ों को खोजा है और यूटिलाइज़ किया है। उदाहरण के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, वो पहले से ही वहाँ पे था। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स को खोजा, उससे पहले भी सेब भूमि पर ही गिरते थे। न्यूटन ने तो बस ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। हम खोज करने वालों को महान मानते हैं, मानना भी चाहिए, पर ज़रा उसकी महानता सोचो जिसने ये सब बनाया होगा। न्यूटन की लाइफ का एक इंसिडेंस है। एक बार न्यूटन और उसके मित्र में बहस हो गई कि ये ब्रह्मांड स्वतः उत्पन्न हुआ है, इसे किसी ने नहीं बनाया। दोनों में खूब तर्क वितर्क हुए, परंतु जब उसका मित्र नहीं माना तो उसने अपने मित्र को कुछ दिनों बाद उसकी लेबोरेटरी में आने के लिए बोला। वो मित्र जाता है और बताए दिन में दोबारा न्यूटन के यहाँ पहुँचता है। वहाँ वो ब्रह्मांड का एक बहुत ही अद्भुत मॉडल देखता है। सूर्य, धरती, सभी प्लेनेट्स और वो सभी अपनी अपनी धुरी पे और ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। उसको देखते ही उसका मित्र अचंभित हो जाता है। उसने न्यूटन से पूछा, ये किसने बनाया? न्यूटन ने जवाब दिया, ये तो स्वतः ही उत्पन्न हो गया। उसका मित्र उस पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि यह असंभव है। तब न्यूटन बोलता है कि तुम इस छोटे से मॉडल की उत्पत्ति पर यह विश्वास नहीं कर पाए कि यह स्वतः उत्पन्न हुआ है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि इस ब्रह्मांड की अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली रचनाएं स्वयं उत्पन्न हुई होंगी। आज के समय की यह विडंबना है, हम न्यूटन पर विश्वास करते हैं जिसने कुछ लॉज खोजे, पर हम उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते जिन्होंने ये सारे लॉज और फोर्सेस बनाए। इनविजिबिलिटी और विजिबिलिटी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा ही एक उदाहरण है हमारी पवित्र नदियाँ, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि माँ गंगा का पानी कितना ही मैला हो जाए, वो हमेशा पवित्र रहता है। ये साधारण जल नहीं है, क्योंकि ये प्रभु को चरणों को छू के आता है। आज साइंस ने खोजा है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इस जल में पनपने नहीं देता। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा वायरस नहीं बना सकता। हाँ, ऐसे बने हुए वायरस का आरएनए रेप्लिकेट कर उससे बहुत सारे वायरस बनाए जा सकते हैं, परंतु उस रेप्लिकेशन के लिए हमें परमेश्वर द्वारा बनाया हुआ वो पहला आरएनए चाहिए होगा। और प्राकृतिक रूप से सभी नदियों को जल में सच किया जा सकता है। इस प्रकृति में ना जाने कितनी ही अद्भुत चीज़ें हैं जो आपको परमेश्वर पर विश्वास बना सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। बस ज़रूरत है मन को स्थिर करके देखने की। ज़रा चिंतन करें, जब ऐसी साइंस को खोजने वाले साइंटिस्ट उन लॉज एंड फोर्स को यूटिलाइज कर अद्भुत उपकरण बना सकते हैं, तो वो परमेश्वर क्या क्या कर सकता होगा जिन्होंने ऐसे लॉज एंड फोर्सेस को बनाया है। फिर विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं।
हाँ, वो तभी दिख सकता है जब उसकी स्वयं की इच्छा हो। वे हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हम उनकी इच्छा और उनकी बनाई प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसलिए शिला भक्ति विनोद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट वर्क इन सच अ वे दैट गॉड विल सी यू। यहाँ मैं एक और बात बोलूँगा कि जब मैं वृंदावन परिक्रमा पे जाता था, तब यमुना जी को मेला देख के मेरा मन व्यथित हो उठता था। मन से आवाज़ आती थी कि सब कुछ त्याग के माँ यमुना और माँ गंगा की सेवा में लग जाऊँ, पर समझ नहीं आता था करूँ तो क्या और कैसे। अपने को ऐसी कई कार्यों में असमर्थ देखकर मेरी ये इच्छाएं तो पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी। फिर एक दिन सुबह खबर आई कि सीसामऊ नाला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बंद कर दिया गया है और गंगा माँ का जल दोबारा स्वच्छता की तरफ बढ़ चुका है, तो मेरा मन गदगद हो गया था। ये सत्य है और इस सत्य को मैं स्वीकार करता हूँ। कहा जाता है कि वर्ल्ड सीज योर प्रेजेंटेशन बट गॉड सीज योर इंटेंशंस। माँ गंगा, माँ यमुना, राधा कुंड, श्याम कुंड, इनका जल सदैव निर्मल रहेगा, भले ही कितनी गंदगी डालिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इनमें इतनी गंदगी डाल दें कि गंगा जल और गंदगी में गंदगी का अनुपात ज़्यादा हो जाए। मोदी जी ने गंगा जल को स्वच्छ किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, पूरा देश आभारी रहेगा और आशा करता हूँ कि हम सब गंगा जल की स्वच्छता को बनाए रखेंगे। जय शिला प्रभुपाद।